क्या बात है खोदी पुत्र, है मतलब तुम क्या सूंघ लेते हो क्या वहां से, है बोतल खुली ही नहीं कि तुम एकदम तुरंत प्रकट। बहुत बढ़िया, बस खतरो ही ना सूंघ पाती है बहनी, बाकी सब सूंघ लेते हैं। क्या बात है यार, बहुत गहरी बात कर दी तुम, मतलब बगैर पिए इतना तो मतलब पी लोगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। है काहे बे, तू तो बड़ो होलोला रहो, तू के विदेशी पिलाएंगे आज जो काहे ठर्रा। अरे नहीं गुरु, विदेशी भी है इसमें, एक एक पैक बचा हुआ था तो हमने सोचा कि पहले ये खत्म कर देते पील के, उसके बाद फिर ये खोलेंगे। ले उठाओ। क्या हुआ? जैसी तुम्हारी इच्छा भैया, हमारी इच्छा तो कछु चलना रही सही है। क्या हो गया आज तुम्हें, मूड कहाँ आप है? परेशान है बहनी। नहीं वो तो दिख रहा है परेशान हो। अरे यार घर में का है, अम्मा और राजेश के बीच में शीतल युद्ध कोल्ड वॉर फिर से चालू हो। यार कोई नई बात बताओ ना। तो नऊ है, नऊ कैसे है कि अच्छा चक्कर का है, पहले तो वो तो महाभारत जो होती थी वो जानबूझ के, अब अनजाने में मामलो हो रहा, मतलब अम्मा जो कर रही है वो अनजाने में कर रही है, राजेश भिदक रही है। किस बात पे? अरे अब चक्कर का है, दिन भर था नहीं, चोर चक्कों की धरपकड़, टाइम ना निकाल पाती ना, राजेश को लग रहा होगा कि हमें टाइम दो, और ठीक है पापा गलत नहीं है, दिन भर आदमी बाहर रहेगा तो दो पल तो आदमी, अम्मा समझ ना रही, जब आत अम्मा ना समझ पा रही और राजेश चाह रही है कि हम टाइम दें, अब जब जब हम टाइम देने की सोचते हैं भाई टाइम पे अम्मा चेप हो जाती है, यह सिचुएशन ऐसी बढ़ जाती है कि हम रज्जू को टाइम ना दे पाते, तो राय तो फैल रहा हुए समझो ना, हुए ना जो दादा समझ रहे खुदी पति। लेकिन एक बात बताएं, हम शेयर करें तुमसे, तुम ना एकदम एक निपोची बंदर हो, बंदर टाइप से, काहे कि जब भी गुस्सा हो, गम हो, कुछ भी नाराजगी हो, लेकिन चाची से तुम कुछ नहीं बोलोगे। काहे भैया? अम्मा भावुक है यार, एक तो उम्र हो गई, इतनों से कह दो इतनी चीज लग जाती है, अम्मा भावुक है, कछु कर देंगे ना बहनी, लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर सिचुएशन भी हम ही संभालेंगे, लौंडा इकलौती कू है हम ही है ना ससुर, माहौल खराब हो जाएगा, अम्मा भावुक है। और रज्जू भी समझ ना रही, इतने टाइम से हमारे साथ है ना, हमें समझ रही और अम्मा के साथ भी तो रहती है ना, अम्मा को समझने की कोशिश कर रही। तब इन गुरु राजेश जो है एकदम पपलिया ही पड़ी थी, समझ रहे हैं यार, राजेश के ऊपर बिना मतलब दुनिया भर का पूरा संसार का प्रेशर है, पूरा बोझ लादे पड़ी है संसार का। भी ना है तो ऐसे कह रहे हो जैसे जो घर संभालती हो और बधाइयों जाके पांच छह घर होते संभाल रही हूँ, अरे एक ही घर तो संभाल ले हैं। अच्छा घर नहीं मतलब ये पूरी दुनिया है, दुनिया नहीं इसको तो तुम जिला कोशिश करते हो, काहे कि तुम देखो को पूरी जिम्मेदारी संभालती है, नौ नौ तो बच्चों का, तुम्हारा मतलब चाची का, इतना बोझ है उसके ऊपर यार, परेशान तो होगी यार। कहाँ हूँ तुम्हें, काम करो ये जो है ना ये ले जाओ और राजेश के साथ एंजॉय करो और हमको आज छोड़ दो। अभी ऐसे कह रहा हुए हमको छोड़ दो जैसे हम सारे चिपके पड़े हों, कब मरे जा रहे का तेरे साथ पीने के लाने, जबरदस्ती करती है का तू को? मैं खुदी पुत्र ऐसे कैसे बोलू हमें छोड़ दी, बात बात तो समझो ना यार चोमूलाल, हम ये कह रहे तुमको कि तुम बहुत दिनों से हमारे साथ ही पीते हो, तुम आज उसके साथ जाके एंजॉय करो और एक आठ तो छोटे छोटे पंद्रह पंद्रह के पैक जो है ना राजेश को भी पिला दो, देखो मामला एकदम रोमांटिक हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कैसे सोच रहे हो था हम तनक हेलो बहु है ना, अभी हम जो वैसे आइडिया अच्छो है यार तेरू है, लेकिन एक बादू कर तू थोड़ी अलग से, जब हम ना हो थाने में अम्मा को समझा, थोड़ी अलग से समझा के देखो, पति पत्नी हैं तो दोनों को थोड़ी थोड़ी तो छोड़ दें, मतलब उनको भी हक है, लेकिन उनको इस तरीके से समझा के बुरो भी ना लगे और भी समझ जाए कि हाँ भैया पति पत्नी है तो थोड़ा टाइम अलग से चाहिए। ढंग से हाँ कर, ढंग से तू कैसे ऐसे वही सोच रहा है, हम जाएंगे जाएंगे हम उनसे जाते हैं बतियाते हैं, कल कल चले आते हैं सुबह सुबह और उनको जाके समझाते हैं कि थोड़ा सा मामला, तुम टेंशन मत लो, तुम समझ गए, हम समझ गए, तुम समझने पहले जरूरी है दादा, तब तो अम्मा को तुम समझाओगे। अबे बीए बेनी प्रसाद बीए लेवली फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम विमलेश हैं, हम जाओ तुम एंजॉय करो, धन्यवाद, अरे वेलकम, जाओ एंजॉय करो पुत्र। अरे ऐसे दोस्त सबके दे, फिर तुमने राय तो फैलाओ, करो ना यार ढंग से अपनी व्यवस्था।
यही बचा है बस आज। चिढ़ेस का नहीं नहीं हमाओ हमाओ मतलब है कि राजेश असल में तुम चिढ़ी भाई हो ना, तुम्हें गुस्सा आ रहा हूँ ना। हाँ तुम्हें देख के मैं गुस्सा आए जाते हैं, हम अकेले ही सही रहते। ऐसू ना कहो रज्जू रानी, अबे देखो तुम आओ, हम दो मिनट में गुस्सा मतलब सारो फुर कर देंगे। हमने कही थी ना तुमसे सेट कर देंगे तुम्हें। तुमने ऐसे कई हत्ती नदारा कछु बदलो ना, बल्कि तुम्हारी अम्मा ने जले पे और नमक छिड़क दो हमारे सब गहना बांट के। अरे तो भी तुम्हारी औलादें तो हैं सब, तो हमारी उम्र निकल गई क्या सजन की? हाँ रख देती है एक अलग, हम थोड़ी देर के लाने का गए सब बांट के धर दो। तुम वो छोड़ो ना यार, अम्मा से ध्यान मेरे को अभी हटा लूं, अभी हम बहुत मूड में। एक सेकंड रुको, देखो तुम्हारे लाने कल आई दादा क्या बिस्की है विदेशी। असल में कहा है देखो, वैसे हम चाहती तो बहनी के साथ पी सकते थे, लेकिन हमने कहा ना, थोड़ा दिमाग क्लिक कर गई ना दिमाग में, हमने कहा नहीं, हमारी प्यारी बीवी हमारी रज्जो हमारे साथ टाइम बिताना चाहती है, वक्त बिताना चाहती है ना, और जैसा चुक्का हो सकता है कि शराब हो और शबाब हो। छी हम शबाब हैं का? ना ना शबाब तो हम हैं, तुम तो गदराव भाव कबाब हो। दो दिए तो मैं मुंह में। अरे मजाक कर रही, शबाब भी तुम्हें हो, सब कछु तुम्हें हो यार। गुइया तुमने आते क्या कहो हमें चिड़ेस? ना 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 असल में कहा बहू, हम कहना चाह रहे थे चिड़ी भाई राजेश, लेकिन सारो जबान फिसल गई, फर्र से निकल गया स्पीड में चिड़ेस। बोलना चाह रहे थे चिड़ी भाई राजेश, गुस्सा आती ना तुम। सही बता रहे, बात बनाने कोई तुमसे सीखे, बनाओ एक एक पैग हम पिए आज। जे अब जे भाई ना रज्जू वाली बात, अब हम गुदगुद आ गए। एक घूट रज्जू ले ना, तो मैं टक से तो तुम खुद बोलोगी हो 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 माहौल बन गो। अब देखो तुम, ये देखो स्टाइल देखो तुम। जाओ गया भाई बजने। कौन को है? अम्मा को है, पता नहीं क्या कह रही। ये पे ध्यान लगाओ तुम। अम्मा हाय कैट, हाय गणेश, यो भी आ गया, हो गई मारी पढ़ाई। मलाइका यू आर लकी, यू नो व्हाट यू स्टडिंग, बट मी तो बाबा डोंट नो व्हाट मी स्टडिंग। वो थारी अंग्रेजी सुन के ही मन ने समझ आ रहा से। मलाइका नो नीड सरकास्टिक। अबे एक सब की तारीफ करी है, सारी रात वही बोलेगी है। Kamlesh, you're ignoring her, you're telling me what happened. Cat, my papa not listening. She says doctor better than engineering. But my body, myself not becoming doctor. Me won't becoming myself, my body engineer. Yes, Kamlesh, but you know your father only paying every money for your college, na? If he not paying your engineering money, then how you studying? You ke naya chakkar se engineering doctor. Oi, hindi mein samjha. अरे यार मलाइका, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे पापा कहते हैं तुझे इंजीनियर बनना चाहिए। कमलेश से उल्टा। ओ सॉरी, गलत सॉरी सॉरी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेरे पापा कहते हैं डॉक्टर बनना चाहिए। चाहता हूँ क्या होता है बे, हलवा से क्या काबिलियत नाम की चीज होती है कि ना? काबिलियत तो बहुत है दोनों की मेरे अंदर, पर डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अच्छा 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 अच्छा, नो सार्कास्टिक, आगे बोल। एनीवे कमलेश, यू नो दिस डॉक्टर जॉब इज नॉट अ वेरी बैड जॉब, इट इज अ वेरी गुड जॉब एक्चुअली, यू नो इन दैट व्हेन पीपल डाइंग, व्हेन दे गेटिंग सो मच बीमार, दे गोइंग टू हॉस्पिटल, हु ठीक करिंग देम? डॉक्टर ओनली, राइट? दे प्रिपेयरिंग हिज बॉडी एंड पीपल कमिंग आउट हेल्दी, राइट? यस यू आर राइट, बट हां अगर जो भी हॉस्पिटल से जाएगा तो फ्लाईओवर के ऊपर से ही जाएगा ना, तो फ्लाईओवर कौन बनाता है? इंजीनियर। फैंटास्टिक, आज मजा आएगा मंडे, कैरी ऑन। हाँ अगर कोई पेशेंट बीमार हो गया तो पेशेंट को लेने के लिए एम्बुलेंस गाड़ी जो भी आएगी, तो गाड़ी को और एम्बुलेंस को कौन बनाता है?
इंजीनियर फैंटास्टिक अगेन नॉट सरकास्टिक अगेन थैंक यू मलाइका बट कमलेश वन सेकेंड इफ दैट फ्लाईओवर फॉलिंग डाउन टूट गया मतलब तो हु सेविंग द लाइफ अगेन डॉक्टर ना दीदी दीदी यो तो कोई तुक ना से फ्लाईओवर गिरेगा अरे 50 साल में एक बार गिरेगा कुछ और बता ओके ओके फ्लाईओवर इंजीनियर मेकिंग राइट देन हाउ कम इंजीनियर कमिंग फ्रॉम मदर राइट एंड हु इज गिविंग बर्थ मदर देन हाउ मदर इज गिविंग बर्थ डिलीवरी एग्जैक्टली हु इज डूइंग डिलीवरी डॉक्टर वाह अरे क्या वाह ऐसे तो सबकी डिलीवरी डॉक्टर ही करवाता है एग्जैक्टली डॉक्टर इज द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड हैंस प्रूव्ड ओह माय गॉड कैट मी कंफ्यूज्ड ओह कमलेश लीविंग इट ना चेंजिंग द सब्जेक्ट वाचिंग दिस सी व्हाट ग्रैंडमदर गिविंग मी कंगन ग्रैंडमदर मदर गिविंग टू ग्रैंडमदर नाउ ग्रैंडमदर गिविंग टू मी हाउ ब्यूटीफुल कंगन्स है ना मी इज वेरी हैप्पी वेट कैट यू नोइंग Who making these kangans? Jewelry shop. No, Baba. Jewelry shop to only selling. Engineer making kangans. Then engineer is the best job in the world. Na. ऐसे कैसे? एक बात तो और से. क्या? भाई कंगन लेने के लिए पैसे चाहिए. पैसे कमाने के लिए मेहनत चाहिए. और वो दिन रात की मेहनत के बाद इंसान जब बीमार पड़े तो उसको सही करने के लिए कौन चाहिए? Doctor. करेक्ट ओ डॉक्टर इंजीनियर जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो अरे अम्मा तुमने फोन का है बताओ तुम गाना सुन रही कछु ना भाऊ चल आज दोनों माँ बेटे संग बैठ के पिएंगे तो मैंने जागी लाने या फोन कर दो मतलब अरे राज्यो के संग में हम बढ़िया माहौल बना रहे नहीं मतलब तुमने जाके लाने या फोन कर दो हम रज्जू के साथ ना जरूरी बात कर रहे थे वो तीन ठैया लंदन के लाने पॉलिसी ली ना हमने नई बच्चन की हाउ ठीक है बाद में बात कर लियो आज तो ईरा अमर सोना बेटा अम्मा के संग टिकाएगो टन 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 टारा देख कैसी लाए विदेशी अंग्रेजी पतो ना शायद आज हमारी जे आखिरी ड्रिंक हो अपने बेटे के संग आखिरी बार चीयर्स करेंगे आज ये तो ससुर वही ब्रांड है वो जो हमें बेनी ने दो चल हम बनाते हैं दोनों के लाने लार्ज बालो अरे अरे अम्मा रुक जाओ अरे दादा अरे जाओ उम्र में लार्ज ना बनाओ तुम समझ नहीं रही सुनो ज्ञान की बात रुको पहले हमें अपनी डालन दे अरे अम्मा लार्ज बनाने की क्या जरूरत है जौन उम्र में तुम झूल रही ना बा उम्र में अम्मा ज्यादा लार्ज और ज्यादा चार्ज दोनों नुकसानदायी होते हैं कहूँ झूल ना जाइयो नास पीटे अरे अरे ओ दादा अरे कहो तुम्हें जो अरे अरे अम्मा मामा अरे मजाक कर रहे हम लो 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 जो बन गो मजाक कर आज ज्यादा ही इतना घुलोला रही हूँ गानों में ऐसे सुन रही हूँ एक सेकंड चेयर्स नहीं पहले जो बताओ पिताजी आस पास हैं का होंगे इतने उतने कितने बेबी टिकाएंगे का साथ में ना ना हमें टिकाते हुए देखेंगे अरे अम्मा तो फिर हम उनके सामने ना पीते हैं कब ना से पीटे
उन्हें सब पतो है कि तू रोज पीतो है। पतो अलग है, पतो हुनु अम्मा अलग बात होती है, लेकिन पिताजी के सामने नहीं पी सकते ना, हम तो छिपके पीते हैं हमेशा। अरे जादू होशियार चंद न बन, तेरे पिताजी आत्मा हैंगे, बाको सब दिखतो है गो। लियो फिर यही बात पे फटाफट फिर हम जाएं। लियो। अरे काय फटाफट फटाफट, आराम से, अरे आराम से माँ बेटे संग बैठ के पिएंगे। रुक 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 था। चीयर्स। चीयर्स दादा। हपुआ, हपुआ, और सुना? मैंगो वालो है, बहुत ही स्मूथ हो ये पियन में। जैसी जब बोतल खत्म हुई ना, जहाँ में मनी प्लांट लगाई है। कहाँ रह गए जी, इतनी देर से बातें ही करने लगे। हेलो, क्या कर रही है? कछु नहीं यार, ऐसे ही बैठे हैं। तुम बताओ क्या कर रही हो? मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ड्रिंक लगा रही हूँ। यार तुम कब से पीने लगी? अरे कॉलेज में पीती थी, पर उसके बाद डायरेक्ट आज पी रही हूँ। बहुत महंगे वाले स्कॉच लाए हैं यार मेरे लिए मेरे हस्बैंड। हेलो 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 हेलो, आवाज ना आ रही। हेलो, आवाज आ रही का? चल कुकड़ी एक नंबर की। चाको देखो, अपने पति के संग कितनी मौज कर रही है। देख हमारे पति हैं, पता नहीं अम्मा ही गोद में जाके बैठ गए। कब आए हैं जे? आए गए तुम? बड़ी देर कर दी आने में। बताओ हम कब से इंतजार कर रहे हैं बोतल पकड़े पकड़े। हमारो ना कंट्रोल ना हो रहा हो, तो लगा तो घोल के पी जाए पूरो। तो पी लेती रज्जू। ऐसे कैसे पी लेते? तुम्हारे संगे पिए। सुना, अच्छे पैक बनाओ, तगड़ो वाले एकदम स्ट्रॉन्ग। चलो ऐसा यार, ज्यादा देर हो गई। अब सो जाओ बढ़िया घोड़ा तान के। सो जाओ जे का मतलब है? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, कैसे सो जाए? जे बदबू कैसी आ रही? तुम पी के आए हो का? ना ना रज्जू, असल में कहा है, अम्मा भी ना वेट कर रही थी और उनने भी जई वालो ब्रांड मंगा के धल लो, तो के हबुआ आएगो तो जई वाली पियेंगे। तो नहीं के सामने यही वाली टिका ली। और हम? सो जा बेटा। हम आओ का? नहीं हम आओ घुइया। हाँ तुम्हें शर्म ना, अकेले से पी के आ गए, हम इतने बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तो अब अम्मा को कैसे मना कर देते? तुम्हारे साथ कल पी ले। चलो जा, तकिया उठा। कहाँ कहाँ जाएं? चलो आ जाओ ना, इतनी आ जाओ, बगल में आ जाओ। अरे दादा, चलो उठो। कहाँ चल? जाए के अम्मा की गोद में सो। चलो। अरे तुम्हारी गोद में सोना है हमें? घर में बहुत कमरा है, जले तकिया। कौन तरीका? सब तरीका अच्छा, चीखेगा चिल्लाएगा बताएगा। कहाँ जाए? चलो घर में बहुत सारे कमरा है। अरे जो कौन तरीका? रज्जो, अरे ठीक है। रज्जो गई घुइया के खेत में। कहाँ गई? घुइया के खेत में घुइया उखाड़ रही। जाओ। अरे चद्दर दे दो अम्मा हमारी। अरे चद्दर तो दे देती। बिल्कुल आओ, देश पे गई है जयंती को आइटम। आलू। चाची प्रणाम। अरे जी तेरे बेनिया। सब्जी लेने आओ है? रुक हम तेरे लिए फ्रेश फ्रेश सब्जी छाट देते, लेकिन बाकी सब है कद्दू ना लाओ। अरे नहीं नहीं कोई बात चाची, हम बस एक मिर्ची लेने आए थे, सब्जी तो हम परसों ही ले चुके हैं, एक आदमी के लिए अब कितना चाहिए। आओ, जे भी सही कह रहे हो। अब ऐसे भी तो तू घोर मांसाहारी है गो,
दिन रात मुर्गा बकरा पेल तो है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन बकरे जैसी हालत तो आजकल खोदी पुत्र मतलब हपुआ की हुई पड़ी है एकदम। हाँ मतलब? अरे मतलब दो कसाइयों के बीच में हलाल हुआ पड़ा है हपुआ आजकल। हम समझे ना? अरे चाची आप नहीं समझी, आप इतनी चंट मतलब इतनी समझदार हो, आपको नहीं समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि हपुआ को जो है दिन रात आप अपने पास बुलाती रहती हैं, मतलब कभी चाय के बहाने, कभी कॉफ़ी के बहाने, कभी गुइयाँ के बहाने, मतलब कभी दो दो टिकाने के बहाने। अब वो अपनी बीवी के साथ समय बिताए तो कब बिताए, कैसे बिताए? अब हम ये कह रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि आपका लौंडा शादीशुदा है, थोड़ा सा वक्त दो कि वो भी आपस में थोड़ा सा समय दो, वो लोग आपस में समय बिताए। हैं बाबू बेनिया जी, समय तो ना है हमारे पास। मतलब क्या? उतर जा, तो को बता ही देते हैं हमारी जिंदगी के आखिरी कछु दिन बचे हैंगे। क्या